हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मेडिकल एग्जामिनेशन। जिन भी बच्चों का नॉर्सेट या किसी भी गवर्नमेंट या सेंट्रल हॉस्पिटल में सिलेक्शन हो गया है, तो फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं। तो उसमें आपके कौन कौन से टेस्ट होते हैं, आज हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की बेनिफिशियल वीडियो आपको मिलती रहे। सो सबसे पहले जब आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंफर्म हो जाएगा, सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, ठीक है, जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है वो दोबारा उनको सेंड करके सारे नंबर्स आपके सर्टिफिकेट नंबर वेरीफाई होते हैं। उसके बाद जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए, तब आपका सेकेंड स्टेप होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर आप मेडिकली फिट है तभी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर कैंसिल भी हो सकता है। तो जो मेरे एग्जामिनेशन में जो हुआ था, ऑलमोस्ट सारे सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल या जो दिल्ली के हॉस्पिटल है या एम्स है, ऑलमोस्ट सब जगह सेम मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है फॉर नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। किसी भी आप गवर्नमेंट पोस्ट पे जा रहे हैं तो ये सेम आपके टेस्ट होंगे। तो सबसे पहले मेन हम जो जानेंगे वो कौन से टेस्ट होते हैं आपके, एक तो एक्सरे, ठीक है। एक्सरे में आपका क्या होगा, चेस्ट एक्सरे, ठीक है, चेस्ट एक्सरे होगा जिसमें कि आपका क्या देखा जाएगा, पीए व्यू, ठीक है, नॉर्मल चेस्ट एक्सरे आपका होगा और एब्डोमेन वगैरह इन सब का एक्सरे नहीं होता, सिर्फ चेस्ट एक्सरे होता है। नेक्स्ट इज ईसीजी, ठीक है, आपका हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हार्ट रेट बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा टैकीकार्डिया ये सब नहीं आना चाहिए ड्यूरिंग ईसीजी, ठीक है। फिर आपका यूरिन टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट में आपका देखते हैं प्रोटीन तो नहीं आ रहा, ठीक है, प्रोटीन यूरिया तो नहीं है या यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है, नॉर्मल रूटीन एग्जामिनेशन जो होता है माइक्रोस्कोपी वाला, वो आपका यूरिन टेस्ट होता है। नेक्स्ट इज सीबीसी, ठीक है, सीबीसी में आपका कंप्लीट ब्लड टेस्ट में आ जाता है, ठीक है, सारे आपके सीबी, आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह सब सीबीसी से पता चल जाएगा। तो सीबीसी मेन इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी में कोई भी एबनॉर्मलिटी है तो वो कहाँ पे शो होता है, सीबीसी में उसकी कंप्लीट डिटेल आ जाती है कि आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन है या नहीं है। नेक्स्ट इज ब्लड यूरिया, ठीक है, ब्लड यूरिया का भी टेस्ट होता है कि नॉर्मल रेंज में आपका ब्लड यूरिया आना चाहिए, यूरिक वेस्ट जो यूरिया है वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज ब्लड शुगर, दैट इज फास्टिंग एंड पोस्टप्रांडियल। तो ब्लड शुगर का आपका टेस्ट होगा कि आपको शुगर तो नहीं है, ठीक है, फास्टिंग भी होता है फिर 2 घंटे कुछ खा के आने के बाद, ये दोनों टेस्ट होंगे आपके खाली पेट और उसके बाद कुछ खाने के बाद। सो आई होप ये जो जनरल स्टेप्स हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। ये जो टेस्ट हैं, ठीक है, एक्सरे, ईसीजी, यूरिन, सीबीसी, ये सारे नॉर्मल टेस्ट है, चाहे आप दिल्ली का पेपर दो, चाहे आप एम्स का पेपर दो या कोई सीजीएचएस। तो अगर इन सब में किसी में भी आपका सिलेक्शन हुआ है तो ये सारे टेस्ट कॉमन है जो आपके हर जगह होंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, ये वाले जो टेस्ट है आपको कंप्लीट करवाने हैं, ठीक है। एक्सरे मैंने बता दिया, इसमें आपका चेस्ट एक्सरे होगा, ईसीजी में मेनली आपका हार्ट रेट देखेंगे, यूरिन में नॉर्मल प्रोटीन वगैरह नहीं होना चाहिए, सीबीसी ब्लड यूरिया प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, और ब्लड शुगर, ठीक है, जिसमें फास्टिंग और पोस्ट प्रांडियल ये दोनों होंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ टेस्ट है जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू आपको फिजिकल फिटनेस देंगे। तो इसमें जो फर्स्ट वन है वो है आपका स्किन, तो स्किन वाले देख के आपको देखेंगे कि आप डर्मेटोलॉजिकली फिट हो या नहीं, कोई आपको कम्युनिकेबल डिजीज वगैरह स्किन पे तो नहीं है, तो वो चेक करेंगे आपका स्किन वाले, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका आई, तो जो आई है, आई में आपका चेक होता है, सबसे पहले एक तो आपका चेक होगा नॉर्मल आई साइट, आई साइट चेक करने के लिए आपके लिए वो चूज करेंगे स्नेलन चार्ट, ठीक है। स्नेलन चार्ट पे आपको विद स्पेक्स और विदाउट स्पेक्स, ठीक है, चाहे आपको स्पेक्स लगे हो या आपको स्पेक्स नहीं लगे हो, आपको 6x6 के अकॉर्डिंग रीडिंग करनी है, 6 फीट से आपको 6 लाइन तक स्नेलन चार्ट में रीड करना होगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आपका टेस्ट होता है इसमें कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस का मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, और कलर ब्लाइंडनेस के लिए आपको क्या होता है, प्लेट्स रीड करवाते हैं, ठीक है, प्लेट्स होंगी इशारा चार्ट की, वो आपको रीड करनी होंगी जिसमें आपका कलर डिफ्रेंशिएट आप कर पाओ, ठीक है, ये मेन क्राइटेरिया। अगर ये नहीं, अगर आप सक्सेसफुल होते इसको रीड करने में, तो आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। और एक आई में डायलेट करके आपके आईज को देखते हैं, ठीक है, आईबॉल की मूवमेंट, तो आपके आईज को डायलेट करके देखेंगे, तो मेन ये सारी चीजें होती है, एक आईज डायलेट करके देखना, सेकंड
ठीक है, इसी में स्नेलन चार्ट आपका चेक करेंगे, और थर्ड कलर ब्लाइंडनेस, ये चीजें होंगी जो आईज में चेक होंगी आपकी। नेक्स्ट इसी के साथ और क्या चेक होता है? ईएनटी, ईएनटी दैट इज ईयर नोज एंड थ्रोट। तो ये सारी चीजें आपकी चेक होंगी ईएनटी में। ईयर में आपका मेन हियरिंग चेक करते हैं कि आपकी सुनने की शक्ति ठीक है कि नहीं, और सेकंड आपका नोज चेक करेंगे कि आपको ब्लीडिंग या फिर कोई डिसऑर्डर वगैरह तो नहीं है, और साथ में थ्रोट भी। ये सारी चीजें आपकी ईएनटी में कंप्लीट होगी। उसके बाद ठीक है, गायनेकोलॉजी में एक तो आपका यूपीटी टेस्ट करवाया जाता है फीमेल्स का, ठीक है, उसमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड और बाकी पैल्पेट करके, या अगर आपके पैर को स्टिचेस वगैरह हैं तो वो सब चेक होते हैं गायनेकोलॉजी में। उसके बाद ऑनकोलॉजी, पीडियाट्रिक, ये सब नहीं देखा जाता। उसके बाद होता है डेंटल, ठीक है, डेंटल में आपके कितने टीथ हैं, ठीक है, मुंह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ओरल कैंसर का सिम्टम या कोई दूसरी कोई चीजें, ये सारी चीजें चेक होंगी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्डियोलॉजी, ठीक है, कार्डियोलॉजी में जब अगर आपने एक बार पहले ईसीजी करवा ले तो आप ईसीजी लेके जाओगे कार्डियोलॉजिस्ट के पास, तो वो जो कार्डियोलॉजिस्ट है एक तो वो आपका पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करेगा, चेक करेंगे आपका हार्ट रेट एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन, ठीक है, आपका हार्ट रेट कितना है और साथ में आपकी बॉडी में कितना ऑक्सीजन है ब्लड में, ये दोनों चीज चेक करके, और जो आप ईसीजी की स्ट्रिप लेके जाओगे साथ में वो भी चेक करके आपको बताएंगे कि आपका हार्ट रेट कैसा है और कोई हार्ट में कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम या कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, साथ में टैकीकार्डिया ये सब देखा जाता है। यूरोलॉजी में सीबीसी के थ्रू वो देख सकते हैं, और बाकी जो यूरिया वगैरह आप करवा दो। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इसमें आप चेस्ट एक्सरे लेके जाएंगे अपना, तो जो रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट वाले हैं वो आपका चेस्ट एक्सरे देख के, लंग की कंडीशन देख के, वो आपको क्लियर देंगे कि आप फिट हो रेस्पिरेटरी के थ्रू या नहीं फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है, ये सारे कुछ टेस्ट हैं। और साथ में कुछ सर्जिकल टेस्ट भी होते हैं, ठीक है, सर्जरी से रिलेटेड आपको पैल्पेट वगैरह करके देखेंगे, ठीक है, कोई हर्निया या बाकी कोई चीज तो नहीं है। तो ये कुछ टेस्ट थे जो इम्पोर्टेंट थे फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपका एक बीपी भी चेक करा जाता है, ठीक है, आपको 140 से अबव बीपी नहीं आना चाहिए, ठीक है, 140 तक नॉर्मल कंसिडर करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमें एनजाइटी भी होती है तो नॉर्मली थोड़ा बीपी हाई रहता है, बट अगर 140 से बीपी हाई नहीं जाना चाहिए। अगर 140 से बीपी आपका कॉन्टिन्यूसली दो रीडिंग करने के बाद भी 140 से हाई जा रहा है, तब वो इसको दोबारा रिपीट करवाते हैं, ठीक है, जब तक आपका बीपी नॉर्मल नहीं आएगा। तो आई होप ये कुछ जो टेस्ट थे आपको क्लियर हो गए होंगे जो आपके मेडिकल फिटनेस में होंगे। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे लेके आऊं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की बेनिफिशियल वीडियो आप सबको मिलती रहे। थैंक यू।